मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सब जानते हैं कि आज मौनी अमावस्या है और इस संबंध में श्री गुरु भूषण साहब जैसे कुछ सुन भी रहे थे या बहुत कुछ सुंदर विचार अपने विचारों के दौरान अंत में उन्होंने सदगुरु कबीर की एक पंक्ति उद्धृत की थी, नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांत। थोड़ी सी हम इस पर चर्चा करें। बाह्य जगत में अमावस्या महीने में एक बार आती है और साल में 12 बार। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। महीने के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या, और महीने में एक दिन। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं नित अमावस। जो ज्ञानी पुरुष है उसके जीवन में नित्य अमावस्या है, रोज रोज नहीं हर समय अमावस्या। अमावस अमा सात, वस रहना बसना। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं, साथ साथ उगते हैं, साथ साथ रहते हैं। क्या दोनों को उसी समय सूर्योदय होता है, उसी समय चंद्रोदय होता है। यद्यपि दोनों में करोड़ों किलोमीटर का अंतर है भौगोलिक दृष्टि से देखें तो, लेकिन दोनों का उदय एक साथ होता है। तो मानो सूर्य और चंद्रमा साथ साथ निवास कर रहे हैं। अमावस्या को एक पर्व माना गया है और अथर्व वेद में अमावस्या की बड़ी प्रशंसा की गई है। और प्रशंसा करते करते अथर्व वेद के ऋषि यहां तक कह देते हैं कि हे अमावस्या, तूने ही ये भूत भौतिक जगत को पैदा किया है, तेरे अलावा संसार को उत्पन्न करने शक्ति किसी में नहीं है। अमावस्या तक तिथि है, लेकिन कवि भावुक होते हैं और जिसकी महिमा करते हैं उसी की महिमा में डट पड़ते हैं। अब अमावस्या तिथि है, ये दुनिया को पैदा क्या करेगी? लेकिन ऋषि कहते हैं तेरे अतिरिक्त किसी में ताकत ही नहीं दुनिया पैदा कर सके। भावुकता है। अमावस्या अमावस साथ साथ रहना, सूर्य और चंद्रमा का साथ साथ रहना। आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से हम इसको समझें। सूर्य बहुत विशाल और उसके सामने चंद्रमा बहुत छोटा। सूर्य स्वतः प्रकाशित, चंद्रमा पर प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य दहकती आग का पिंड, एकदम गर्म आग का गोला, और चंद्रमा शीतल। इसी प्रकार जो व्यक्ति गर्म स्वभाव के लोगों को, कोमल स्वभाव के लोगों को, नरम स्वभाव के लोगों को, छोटे को बड़े को, विद्वान को सामान्य जनता को साथ लेकर के चल सकता हो, सब में समन्वय स्थापित कर सकता हो और सबसे यथायोग्य काम ले सकता हो, वही
किसी जिसम उन्नति कर सकता है और उसका जीवन अमावस्या का जीवन है, वो सबको समझने लगता है। जैसे आज अमावस्या है तो सूर्य गर्म और चंद्रमा शीतल साथ साथ है। ऐसे ही आप देखें कि जहां हम रहते हैं, आप रहते हैं घर में, कोई गर्म स्वभाव का और कोई कोमल स्वभाव का, किसी में बड़ी योग्यता, किसी में कम योग्यता, कोई बहुत ज्ञानी, कोई बहुत मन बुद्धि का। घर के या समाज के अगुवा का कर्तव्य होता है कि सभी योग्यता वालों को साथ लेकर के चले, आगे बढ़े, किसी का तिरस्कार न करे, किसी का अवहेलना न करे, तो वह स्वयं सुखी रहेगा, बिहारी क्षेत्र में उन्नति करेगा, उसके द्वारा दूसरों की सेवा होगी और उसका जीवन ही अमावस्या जीवन पर्व का जीवन हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें सूर्य प्रकाश स्वरूप, और सूर्य आंख का देवता माना जाता है। आंख से देख करके ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं उसको कहते हैं, आंख जो हम देखते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ज्ञान की सिद्धि के लिए, तथ्य की सिद्धि के लिए 8 प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष शब्द, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, एति, संभोग और अनुपलब्धि। इन सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वोपरि प्रमाण है। अन्य सारे प्रमाण प्रत्यक्ष पर आधारित हैं। तो आंख से हम दुनिया की वस्तुओं को देखते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, और सूर्य आंख का देवता, ज्ञान का प्रतीक। मन चंद्रमा का देवता। आध्यात्मिक क्षेत्र में चंद्रमा का अर्थ अक्सर मन लगाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा देवता मन का देवता चंद्रमा है। तो सूर्य है ज्ञान का प्रतीक और चंद्रमा है मन का प्रतीक। ज्ञानी पुरुष का मन हर समय ज्ञान में ही लीन रहता है, इसलिए उसके जीवन में रोज अमावस्या है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, अपने को हम ऐसा तपाएं, ऐसा साधें, मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि मन हर समय ज्ञान में ही रमता रहे, ज्ञान में लीन रहे, तो हमारे जीवन में रोज रोज नहीं, हर समय अमावस्या है। जैसे जब सूर्य नहीं रहता तो अंधकार होता है, अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता कि कौन चीज कहाँ रखी, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ कांटा है, कहाँ कंकड़ है, कहाँ पर क्या चीज रखी हुई है। लेकिन जब सूर्योदय होता है, प्रकाश फैलता है, तो सारी चीजें यथावत दिखाई पड़ती हैं और हम दुनिया का व्यवहार करते हैं। ऐसे ही अज्ञान की दशा में कुछ पता नहीं चलता, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या हानि है, क्या लाभ है, और हम भटक जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं, ठोकरें खाते हैं, पछताते हैं। मन को इस अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश में, सूर्य में लीन कर दें, सब समय मन में, मन को ज्ञान में रखें, तो जीवन में हर समय अमावस्या है और इसी में ही जीवन का कल्याण है। ज्ञान को छोड़कर तो भटकाव है, ज्ञान को छोड़ दें तो कल्याण का रास्ता क्या है? रिते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं है, किसी को छुटकारा नहीं है। गीता में यहां तक कहा गया है,
नहि ज्ञाने सदृशं पवित्र मिह विद्यते। दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में यथार्थ बोध होता है। तो मन को अज्ञान से हटाकर ज्ञान में लगाएं, मन ज्ञान में लीन हो जाए तो हर समय अमावस्या, जीवन पर्व बन जाएगा, जीवन ही त्योहार बन जाएगा। और सचमुच में जो ज्ञानी हैं, सिद्ध साधक हैं, उनका जीवन पर्व और त्योहार बन जाता है, और उनके नाम पर ही लोग पर्व मनाना शुरू कर देते हैं। नित संक्रांत साहब कहते हैं, जीवन को ऐसा बनाए या ज्ञानी जीवन ऐसा होता है कि उसमें नित्य संक्रांति रहती है। संक्रांति एक जगह से दूसरी जगह में गमन करना। 12 राशियां मानी गई हैं। सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, एक महीने के पश्चात दूसरी राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है उसे कहते हैं मकर संक्रांति, और यह बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा पर्व है। संक्रांति का अर्थ ही होता है एक जगह से दूसरी जगह में प्रवेश करना, जाना। लेकिन भौतिक जगत में रोज संक्रांति नहीं हो सकती, हर क्षण की तो बात दूर, रोज भी नहीं हो सकती। महीने में संक्रांति, एक महीने में केवल एक संक्रांति होती है। और यहां साहब कहते हैं नित्य संक्रांति, नित्य संक्रांति है। वो क्या है? हमारे साथ हमारा जीवन है, जीवन है तो व्यवहार है, व्यवहार संसार से लेना होता है। देखें, हर व्यक्ति अपने मन को देखकर समझ सकता है कि मन की क्या दशा है। हर समय मन दुनिया में रमा रहता है, दुनिया का चिंतन करता रहता है, उसी में आनंद मानता है। साधक कौन है? जो अपने मन को दुनिया से लौटा करके अपने आत्मा में लीन करता रहता है। जीवन रहते तक व्यवहार है, और व्यवहार प्रत्यक्ष दुनिया से होता है, सोचे बिना तो व्यवहार होगा नहीं। करना इतना है, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करना है, मनुष्यों से व्यवहार करना है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि मन उनमें रमने ना पाए, वहां टिकने ना पाए। उधर से मन को लौटा लौटा कर आत्मा में स्थित करते रहें, अपनी तरफ लौटाते रहें मन को, तो जीवन में हर समय संक्रांति है। जितना हम दुनिया का ख्याल रखेंगे, जितना हमारा मन दुनिया में डूबा रहेगा, उतनी पीड़ा मिलेगी, उतना हम अपने आप से दूर हटते चले जाएंगे। और जब तक जीवन तब तक दुनिया है, तो दुनिया का काम करें, दुनिया की सेवा करें, मन को दुनिया में रमा करके न रखें। काम कर लिए, लौटा लें मन को अपनी तरफ, आत्मस्थित कर दें, तो रोज रोज संक्रांत, रोज रोज पर्व, रोज रोज आनंद उल्लास, और नित नित नवग्रह बैठे पांत, नित रोज रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। आकाश में 9 ग्रह माने गए हैं, और आकाश के ये 9 ग्रह कभी भी एक पंक्ति में एक सिधाई में नहीं आ सकते, एक जगह नहीं रह सकते। क्यों? इनकी गति में अंतर है। कभी ऐसा हो, प्राकृतिक नियमों में फेरफार हो, धरतत्वों की गति में फेरफार हो, तो हो सकता है कभी नवोग्रह एक पंक्ति में आ जाए, लेकिन है बहुत कठिन। और यहां सदगुरु कहते हैं कि नित नित नवग्रह बैठे पांत,
रोज रोज नमो ग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। ये ग्रह कौन है जो एक पंक्ति में बैठते हैं? मन, चित, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, चतुष्टय अंतःकरण और पांच ज्ञानेंद्रियां, ये है नौ ग्रह। इन्हें ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पकड़ लेते हैं। आंख से देखे सुंदर रूप दिखाई पड़ा, मोह गए तो हम पकड़ लिए गए। कान में सुरीले शब्द आए, उसी में अब मन उसी को गुनगुना रहा है, बस पकड़ लिए गए। भोजन करने बैठे, स्वादिष्ट व्यंजन आ गया, खूब खा लिए पेट भर, अब मन सोच रहा है वहां गए थे, ऐसा हलवा मिला था, पकड़ लिए गए हम। तो ये इंद्रियों को, अंतःकरण को ग्रह इसलिए कहा गया है कि हमें पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। क्यों? सुख मान करके हम इनमें आसक्ति बना लेते हैं। आसक्ति बनाए तो बंध गए। साहब कहते हैं ऐसा करो कि मन, चित, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इन नौ ग्रहों को एक पंक्ति तथा संयम की पंक्ति निकल में ले आओ। ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष के जीवन में ये नौ ग्रह, चतुर्थ अंतःकरण और पांच ज्ञानेंद्रियां संयम की पंक्ति में बैठ जाते हैं। सब पर संयम रखें। मन पर संयम, मन पर संयम क्या है? गलत बात न सोचना। चित पर संयम, गलत बात के अनुसंधान न करना। बुद्धि पर संयम क्या है? गलत निर्णय न लेना। अहंकार पर संयम, गलत करतूती न करना। आंख पर संयम है, गलत दृश्य, ऐसे दृश्य जिन्हें देखने से मन विकारी और चंचल हो उन्हें न देखना। ऐसे शब्द जिन्हें सुनने से विकार बढ़े, वासना बढ़े, चंचलता बढ़े, उन्हें न सुनना। अधिक गंध, अधिक तेज दुर्गंध, अधिक सुगंध, इनसे बचना। स्वाद के चक्कर में ज्यादा न खाना, गलत चीज न खाना, गरिष्ठ चीज न खाना, यह जीव पर संयम। और किसी स्पर्श की आसक्ति में, कठिन कोमल स्पर्श की आसक्ति में न बंधना, ये त्वचा पर संयम है। जब तक जीवन है तब तक मन, चित, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इन नवों से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ज्ञान हो गया तो आंख, नाक, कान पर आप पलस्तर कर दें, अब इनसे काम लेना ही नहीं, पट्टी बांध, ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत इनसे काम लेना है, और काम लेना है तो जीवन पर्यंत व्यवहार है। अब थोड़ी सावधानी हुई कि बस भूलने भटकने का अवसर आ गया। इसलिए निरंतर निगरानी रखें इन पर, सब पर संयम, खाएं संयम पूर्वक, केवल शरीर निर्वाह के लिए मजबूरी है। स्वाद मानकर न खाएं, देखें व्यवहार के लिए, विकारी दृष्टि से, आसक्तिपूर्ण दृष्टि से, लुलुप दृष्टि से न देखें, सुने व्यवहार के लिए, शब्द सुने, ज्ञान के शब्द सुने, निर्णय के शब्द सुने, लेकिन अश्लील शब्दों को, निंदा के शब्दों को, ईर्ष्या के शब्दों को, विरोध के शब्दों को न सुने। सुनाना तो पड़ेगा ही, बिना सुने काम तो चलेगा नहीं, लेकिन क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये तो सोचना पड़ेगा ना। क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये तो सोचना पड़ेगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना है सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत ज्ञान और बराक की बात कहते हैं और खाने बैठते हैं तब संयम नहीं कर पाते। घर द्वार को छोड़ देना सरल, पत्नी बच्चों को छोड़ देना सरल, और खाने बैठे संतुलित खाना ही बड़ा कठिन, क्योंकि रोज खाना है, रोज खाना है, और खाने बैठे बस स्वादिष्ट मिठाई आई, चटनी आई, दही आया, घी आया, चलो पता नहीं फिर कल मिलेगा नहीं मिलेगा, और खा लिए। विश्वास नहीं है कि इतने दिन से हम खाते आए हैं आगे भी खाने को मिलेगा। अब महात्मा लोग क्या कहते हैं,
अरे अब हम साधु हो गए हैं, और साधु क्यों हुए हैं? मुक्त होने के लिए। अब मुक्त हो गए तो वहां खाने को मिलेगा नहीं, इसलिए जीवन जितना खा लो उतना खा लो, मुक्ति में खाने को मिलेगा नहीं ना। और यहां तक कहते हैं खाते खाते छूटे शरीर मिल गए साहेब सत्य कबीर। तो यह दुर्दशा है, खाएं केवल शरीर गुजर के लिए। शरीर में रोग लगता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां लिख देता है, दवाई सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, कड़वी भी होती है, खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है, लेकिन सस्ती दवा हम ज्यादा नहीं खाते हैं, महंगी दवा को कम नहीं खाते हैं। मीठी दवा है, डॉक्टर ने कहा है कि एक गोली लेना, हम कहते हैं दवा मीठी है चल पांच गोली ले लें। कड़वी दवा है, डॉक्टर ने कहा एक गोली लेना है तो कड़वी दवा है आधी गोली ले लेंगे तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? डॉक्टर ने जितना कहा है उतना खाते हैं। कड़वी दवा के प्रति घृणा नहीं होती, मीठी दवा के प्रति आसक्ति नहीं होती। ठीक ऐसे समझ लें, भोजन भूख रूपी रोग को दूर करने की दवा है। मिठाई आई सामने, संतुलित मात्रा में खा लें, बस लोभ में ना पड़े। और एक चीज और ख्याल रखें, जो भोजन सामने आ जाए उसकी निंदा ना करें। शरीर की प्रकृति के अनुकूल देख लें, प्रकृति के अनुकूल नहीं है उसको खाने से शरीर में रोग हो जाएगा या कुछ ऐसे हो जाएगा तो उस भोजन को छोड़ दें। लेकिन जो भोजन सामने आ जाए उसकी निंदा न करें। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरातन पुस्तक, लेकिन उसमें भी कहा गया है भोजन करने बैठो और जो भोजन आ जाए उसकी निंदा न करो, जितना आवश्यक हो उतना खा लो। खाने बैठे पत्नी पर बर्फ पड़े, तुम्हें सब्जी बनाने नहीं आता, भात बनाने नहीं आता, क्या नमक डाले हो, क्या करे हो, तो हो गया काम। प्रेम से खाओ। भोजन करते समय यदि आपके मन में प्रेम है, प्रसन्नता है, उस साम आध्यात्मिक जीवन में को संवार करके इसी जीवन में मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाए ताकि हमारा सब दुख समाप्त हो जाए। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।